हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बैट्समैन का धर्म होता है बॉल को उसके घर यानी बाउंड्री तक पहुंचाना। ये कहने वाले वीरेंद्र सहवाग एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान में वापसी करने वाले हैं, पर दोस्तों कमेंट्री करते हुए नहीं बल्कि बल्ला चलाते हुए, पहली बॉल पे छक्का या चौका लगाते हुए और बॉलरों की सुताई करते हुए, वो भी 7 अप्रैल से शुरू हो रहे IPL में। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि किंग्स 11 पंजाब की टीम कह रही है। किंग्स 11 पंजाब की टीम ने 1 अप्रैल 2018 को एक ट्वीट किया और उसमें लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, वीरेंद्र सहवाग विल टेक द फील्ड इन वीवो IPL वंस अगेन, रिप्लेसिंग एरन फिंच फॉर द सीजन ओपनर। पंजाब की टीम ने खाली पोस्ट ही नहीं किया, बकायदा पूरा आर्टिकल लिख डाला। आर्टिकल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसमें लिखा है कि 8 अप्रैल को मोहाली में दिल्ली के खिलाफ पंजाब का पहला मैच है। इस मैच में क्योंकि पंजाब के ओपनर एरन फिंच नहीं खेल पाएंगे, इसलिए टीम मैनेजमेंट ने फैसला लिया है कि सहवाग इस मैच में ओपनिंग करेंगे। सहवाग ने कुछ दिन पहले ही आइस क्रिकेट के मैच में 31 गेंदों में 62 रनों की पारी खेली थी। सहवाग ने इस फैसले से पहले नेट्स पर प्रैक्टिस की तो वहां भी वो फॉर्म में दिखे। सहवाग कहते हैं कि मैं तो सिर्फ बॉलरों को प्रैक्टिस करवा रहा था, पर इस दौरान मुझे लगा कि गेंद मेरे बल्ले पर सही आ रही है। इसके बाद ही जब टीम इस बात पर चर्चा कर रही थी कि पहले मैच में फिंच की जगह कौन ओपनिंग करेगा, तो कोच ब्रैड हॉज ने मजाक में बोला कि सहवाग से करवा लेते हैं। हालांकि मैंने तभी इस पर सोचना शुरू कर दिया था। बाद में कप्तान रविचंद्र अश्विन, कोच हॉज और खुद सहवाग ने मिलकर ये फैसला लिया कि वो फिंच की जगह लेंगे। ये फैसला इसलिए भी लिया गया क्योंकि टीम में और कोई दूसरा ओपनर नहीं है। टीम के CEO सतीश मेनन ने भी इस फैसले पर हामी भर दी है। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई है, मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस खबर की तारीख 1 अप्रैल की है। आपने अप्रैल फूल बनाया वाला गाना तो सुना ही होगा। खैर, पंजाब की टीम ने कभी भी इसे अप्रैल फूल जैसा नहीं बताया है, मगर लोग तो इसे अप्रैल फूल बनाने की तरकीब ही समझ रहे हैं। मगर अगर ये सच है तो देखना मज़ेदार होगा कि सहवाग की वापसी कैसी होगी। तो दोस्तों, IPL और क्रिकेट के बारे में ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करें इस वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।